आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ सात, धरती हमें कितना देती है। बचपन में बोए गए पैसे से एक भी अंकुरित न फूटने पर कवि का बाल मन उदास हो गया, परंतु उसी धरती में सेम के बीज बोने पर अनगिनत हरी भरी लताएं उभर आईं। सेम की लताएं इसकी फलियों से लद गईं। कवि को विश्वास हो गया कि धरती स्वार्थ नहीं है, परमात्मा की सुनहरी फसलें उगलती है। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्टिंग से समझते हैं। कर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। अर्धशति हर हराती निकल गई है तब से, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हो, मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था तब सहसा मैंने देखा उसे। हर्ष विमूढ़ हो उठा था मैं विस्मय से, देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूं कि विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे, पंख मार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़ कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, अनगिनत पत्तों से लद भर गईं झाड़ियां, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, बेलें फैल गईं बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है, झुंड झुंड झिलमिलकर कचमचिया तारों सी। आह इतनी फलियां टूटी जाड़ों भर खाई, कितनी सारी फलियां, यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर, रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे।